भाई लोगों फाइनली मैं आ गया हूँ चैप्टर 252 और 253 के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की। दोनों के स्पॉइलर आ चुके हैं 252 और 253 के। मैं सोच रहा था कि दोनों के सेफ वीडियो बनाया जाए, लेकिन मैंने कहा यार एक ही में दोनों निपटा देते कि चैप्टर इतने बड़े नहीं है, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो की शुरुआत में हम बताना चाहूंगा भाई कि इसमें काफी कुछ रिवील किया गया है दोनों ही चैप्टर्स में, और इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो स्पॉयलर पसंद है तो जुड़े रहो, नहीं तो भाई अभी छोड़ सकते हो वीडियो, पर अगर देखना चाहते तो बने रहो। फिर चैप्टर 252 शुरू होता है भाई एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कासुका भी और निन बात कर रहे होते हैं आपस में यूता के डोमेन को लेके, कि कैसे यूता ने अपने डोमेन के जो कोऑर्डिनेट है वो शिफ्ट कर दिए हैं, और जब यूता का डोमेन टूटने लगेगा तो यूता हमें एक हिंट देगा जिससे कि हमें जाके उस पर अटैक करना है, यानी कि सुकुना पे अटैक करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूता ही अपने डोमेन के जो कोऑर्डिनेट से चेंज कर चुका है, इससे पहले हकारी भी अपने डोमेन को चेंज कर चुका है, अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर चुका है। की बातचीत में हमें ये पता चलता है कि भाई इनका यही प्लान था कि किसी एक को अंदर रखना होगा, यानी कि माकी को डोमेन के अंदर रखना होगा, ताकि जैसी डोमेन टूटे या फिर यूता जैसी सिग्नल दे तो माकी उस पर अटैक कर सके। लेकिन इनो कहता है कि हमें और भी लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए था, इवन चोजो भी इस डोमेन में जाने वाला था, लेकिन उसकी हालत कुछ तुम्हें बताइए पिछली बार की वजह से सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया। और माकी ही एक राइट चॉइस थी इसके लिए, क्योंकि उसके पास जीरो कर्स टेक्निक है, तो जब सुकुना का ध्यान नहीं होगा तो माकी उसको स्टैप कर पाएगी। और इनकी बातचीत के बीच में हम ये भी देख पाते हैं कि भाई माकी बिल्कुल रेडी होती है, जैसे कि ऑल यू मास्क गेट सेट गो बोलेगी तो भाई भाग पड़ेगी, और बिल्कुल वो रेडी हो रही होती है भागने के लिए, ताकि वो सुकुना पे जाके फटाक से अटैक कर सके। नेक्स्ट प्लान में हम देख पाते हैं कि यूता रीगा और भाई यूजी तीनों एक कट चुके हैं, और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम गेस किया था कि यार भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है। साथ ही में हम यहाँ पे देख पाते हैं कि माकी ने सुकुना को स्टैप कर दिया है, और भाई क्वीन ऑफ कर्सेस रो रही है यूता को देख के। रीका फटाफट यूता को उठा के लेके जाती है मेमे के पास, ताकि वो उसे फटाफट से हील कर सके रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू। और यहाँ पे लगभग माकी सुकुना को बीच में से काटने ही वाली थी, लेकिन जैसे तैसे करके सुकुना वहां से बच जाता है। कितना बचेगा भाई ये, कितना बचेगा यार। और सुकुना को ये भी रियलाइज होता है कि भाई यूता ने खुद से अपना डोमेन तोड़ा था, ताकि माकी उसमें एंटर करके उस पर हमला कर सके। भाई माकी की जो ये तलवार है सोल वाली, अगर ये किसी भी हमला करती तो उस पार्ट को भाई हील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सीधा सोल पे ही अटैक करती है। और सुकुना के लिए भी भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि सुकुना उस पार्ट को जल्दी से हील नहीं कर पा रहा था। से पता चलता है कि यूजी अब भी वहीं पर अवेलेबल है, और भाई वो उठ के सुकुना पे हमला करने भी जाता है। लेकिन भाई इतना खतरनाक अटैक के बाद उसकी बैंड बच चुकी होती है, और वो लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, जिसके बाद उसके पास आता है चोजो। चोजो यूजी से कहता है कि शांत रहो और अपना जो ब्लड है उसको अपनी बॉडी में अच्छे से फ्लो करने दो। और इसके बाद हम देख पाते हैं दो भाई तगड़े बंदों की लड़ाई करते हैं। सुकुना माकी को एक पंच मारता है, जिससे कि माकी सीधा बिल्डिंग में जाके गिरती है, और वो भी काफी दूर। माकी इंस्टेंटली भाई पता नहीं कैसे एकदम वहां से गायब होकर सुकुना के पीछे आती है और उस पर अटैक करती है, स्लैश करने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना उसको डॉज कर देता है। उसके बाद भी वो तलवार चलाती है, लेकिन भाई सुकुना उसको भी डॉज कर लेता है। सिर्फ डॉज ही नहीं करता है भाई, उसको अपने हाथ से पकड़ भी लेता है। भाई यहाँ पे एक मजेदार चीज होती है, क्योंकि सुकुना ने माकी की तलवार पकड़ ली है, तो माकी भाई उसे तलवार के साथ ही स्विंग करके दूर फेंक देती है। भाई ऐसे लग रहा है कि दो बुल आपस में टकरा रहे हो भाई, एक दूसरे को बहुत ही गजब फाइट दे रहे होते हैं दोनों। सुकुना बिल्डिंग में गिरते ही उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, और चारों तरफ हमें दिखता है धूल ही धूल, धूल ही धूल। साथ ही भाई वो ये तक कहता है कि माकी से उसे लड़ते हुए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो माउर रागा से लड़ रहा है, यानी कि माकोरा जिसे कहते हैं बेसिकली। और भाई माकी ने जो तलवार सुकुना को मारी थी वो उसके हार्ट में मारी थी, तो सुकुना यहाँ पे फोर्सफुली ब्लड का फ्लो करके और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके भाई बीट करने पे मजबूर। हम लोग ये जानते हैं कि सुकुना ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, वो सीजन वन में भी यूजी के साथ सेम ऐसा कर चुका है, जब उसने यूजी का हार्ट निकाल दिया था और फिर भी वो प्रॉपरली फाइट कर रहा था फुचिगुरो से। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुकुना को कौन रोकेगा भाई, आखिर अब बचाई कौन है माकी के अलावा, तुम बताओ मुझे कमेंट में तुम्हें क्या लगता है। और माकी उसको टीज करते हुए ये भी कहती है कि क्या तुम मुझसे ऐसे लड़ोगे अपनी हार्ट बीट को फोर्स करके। सुकुना भी उसको बड़ा कैजुअली रिप्लाई करता है कि यार मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है हकारी और उराउमे की लड़ाई, और उससे वो कहता है कि हम तो जीतने वाले हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि उसे उसकी कर्स टेक्निक फील हो रही है जो कि धीरे धीरे लो होती जा रही है। उराउमे उससे हंसते हुए कहते हैं कि तू बेवकूफ है। उराउमे ये कहती है कि उनकी कर्स टेक्निक को फील करते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि उनको अपने जो अपोनेंट्स हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। भाई कब आएगा इसको इंटरेस्ट, भाई किसी से इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा भाई, कितने लोगों को शहीद कर दिया इसने। वो ये भी कहती है कि भाई तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि तुमसे अच्छी फाइट तो सातोरू गोजो देखे गया है। भाई गोजो का इम्पैक्ट अभी तक है भाई, चाहे भले वो मर गया हो लेकिन अभी तक भाई उसको याद कर रहे हैं लोग, क्या ही बोले। और यहाँ तक वो ये बोलती है कि सुकुना सामा जो है वो अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहे हैं। भाई कब लड़ेगा फुल पोटेंशियल पे यार, ऑलरेडी इतने लोगों को लपेट दिया। और लास्ट खत्म होते होते हमें दिखाया जाता है सुकुना की न्यू फॉर्म, यानी कि टीज की जाती है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं जाती है।
और यहीं पे चैप्टर 252 खत्म होता है। की बात शुरू करते हैं अपना चैप्टर 253। 253 भी एक फ्लैशबैक के थ्रू ही शुरू होता है, जिसपे कि हमारे सॉर्सरर्स बात कर रहे होते हैं कि ए ग्रेड में सबसे ज्यादा यानी सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा कौन है, यानी सबसे स्ट्रांगेस्ट सॉर्सरर्स कौन है। अब मिमी का रिप्लाई होता है कि ए ग्रेड में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है कुसा काबे, और नानामी यहाँ पे कहता है कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुसा काबे ही ग्रेड ए में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है। और गोजो भी यहाँ पे सेम चीज भाई बोलता है कि कुसा काबे ए ग्रेड में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है। साथ ही में गोजो यहाँ पे यही बोलता है कि अगर बिग थ्री को ऐड करे तो सिचुएशन यहाँ पे अलग हो सकती है। और कुसा काबे यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं, शायद उसामी। ये उसामी कौन है भाई? अब मैंने तो कहीं नाम नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट में बता देना यार। और फाइनली यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम एंटर करते हैं मागी वर्सेस सुकुना की बैटल में। लास्ट चैप्टर से शुरू होता है जहाँ पे माकी के ऊपर सुकुना स्लैश मारता है, लेकिन माकी उसे डॉच कर लेती है। और इन दोनों का भाई तगड़ा वाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है, और हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इन लोगों के ऊपर भाई बिल्डिंग गिर रही होती है, और साथ में वो लोग भी नोटिस करते हैं यार। अगर बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें से कार्स वगैरह भी गिरने लगती है, और भाई यहाँ पे सुकुना इसका फायदा उठाता है, उन कारों को माकी के ऊपर फेंक के अपने स्लैशेस को फेंकने की कोशिश करता है। माकी सुकुना के स्लैशेस तो डॉच कर रही है, लेकिन साथ में गाड़ियां भी उड़ते हुए आ रही है, तो माकी उससे नहीं बच पाती है। माकी कारों के साथ साथ भी उड़ जाती है, यानी कि कार से टकरा के उड़ जाती है भाई। इससे पहले सुकुना अपने और क्लेव्स का इस्तेमाल करे पीछे इनो आ जाता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सुकुना यहाँ पे भाई माकी को छोड़ के इनो को एक स्लैश मारता है, उसके साथ साथ एक लात मारता है, और बस इनो का टाटा बाय बाय। और फाइनली एंट्री होती है यहाँ पे कुसा काबे की, जो क्योंकि नानामी का हथियार लेके सुकुना पे हमला करता है। यार वो तलवार जैसी भाई, उससे सुकुना को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सुकुना एक हाथ मार के उसको और अलग हटा देता है। यार क्या ही चल रहा है भाई बैटल में। माकी फिर से यहाँ पे बैटल में एंटर होती है, लेकिन वो यहाँ पे ये सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से अगर यूता सर्वाइव कर लेता है तो अगर वो बैटल में आ भी जाता तो उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक सुकुना अपनी जो रिवर्स कर्स टेक्निक और उसका जो कर्स आउटपुट है जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो उसको भी हील करके ठीक कर लेगा, जिसके बाद भाई उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे माकी ये डिसाइड कर दी कि उसको यहीं पे ये बैटल खत्म करनी होगी, और हमें पता है कि ये बात माकी के अलावा और भी लोग बोल चुके हैं, चाहे हम गोजो की बात करें, चाहे हम युद्धा की बात करें, चाहे हम हिगुरुमा की बात करें, लेकिन उनका क्या हाल हुआ ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे भाई नरेटर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बोलता है कि भाई गोजो के डेथ के बाद कुसा काबे, हिगुरुमा एंड युता सुकुना के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थे। एंटरटेनमेंट थे मतलब क्या भाई? कि सुकुना यहाँ पे काफी ज्यादा हाइप्ड है माकी से लड़ते, और उसका रीजन है उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी भाई, जो कि तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। माकी यहाँ पे बैटल में वापस आती है और एक भाई पिलर का टुकड़ा सुकुना के ऊपर फेंकती है, और सुकुना वहां से लिटरली गायब हो जाता है। लिटरली गायब। इस कंडीशन में भी भाई सुकुना की स्पीड इतनी ज्यादा है कि माकी तक उसको नोटिस नहीं कर पा रही है। सुकुना एकदम हाई स्पीड में आता है, माकी का मुंह पकड़ता है और उसको भाई बिल्डिंग में फेंक देता है। तो यहाँ पे सुकुना भाई यूजी को रोस्ट करते हुए कहता है कि भाई यूजी से काफी ज्यादा बेटर है माकी। पता नहीं यूजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ यार। सुकुना फिर से माकी के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि भाई माकी के फेस का जो एक हिस्सा होता है वो कट जाता है। इसके बाद सुकुना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि ये फाइट डिसाइड करेगी कौन ज्यादा पावरफुल है, जुजुत्सु जादूगर या फिर एक हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। कि ये भी नोट भी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, उसका हो गया है टाटा बाय बाय गुड नाइट। और कुसा का भी यहाँ पे देखते हुए कहता है कि यार क्या मैं सुकुना को मार सकता हूँ, मतलब डरते डरते कह रहा है भाई, मतलब उस बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो हम भाई बहुत शुरू से ही जानते हैं। एडिटर भी यहाँ पे भाई मजे लेते हुए बोलता है कि तू सुकुना को हराएगा। कुसा काबे का तो खुद का बिलीव है ही नहीं भाई अपने ऊपर, उसके अलावा एडिटर का भी नहीं है भाई, ये क्या मजाक चल रहा है यार जेजेके में। मुझे नहीं लगता कि भाई अब कोई सुकुना को इतनी आसानी से हरा पाएगा। हो सकता है कि भाई प्लॉट में अगर कुछ चेंजेस हो, क्योंकि भाई डायरेक्टली अब ऐसे हराने वाला तो कोई बचा नहीं है सुकुना को। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। भाई फाइनली चैप्टर 253 यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और चाहते हो कि मैं और भी चैप्टर्स को लेके आऊं, तो बस फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।